मैरिट लिस्ट नूं देखण लई पंजाब बी एड एडमिशन डॉट जी एन डी यू डॉट ए सी डॉट इन ते जाके इस तरफ खब्बे पासे प्रोविजनल मैरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग और डिस्क्रीपेंसी लिस्ट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग। प्रोविजनल शब्द क्यों वरत्या गया है? क्योंकि हजे ये फाइनल नहीं है। डिस्क्रीपेंसी का मतलब है ये कि एरर जो बच्चों की है जां डाटा इनकम्प्लीट है। ये मोस्टली वो स्टूडेंट हैं जिन्हों का ग्रैजुएशन का रिजल्ट पेंडिंग है, किसी की डेट ऑफ बर्थ और किसी का ग्रैजुएशन, ईवन पोस्ट ग्रैजुएशन का रिजल्ट, रूरल एरिया, रेजिडेंस। ये मीनिंगफुल क्यों है? क्योंकि हर शब्द जिहड़ा है ग्रैजुएशन दे मार्क्स दे बेस ते जिहड़ी है टाई तोड़ी जांदी है। जेकर दो व्यक्तियां दे, दो कैंडीडेट दे आपां देख ही लैने हां, उत्थे चल के डिस्कस करदे हां। प्रोविजन दा मतलब ये है कि एक एरर नूं रिमूव करन तो बाद फाइनल मैरिट लिस्ट बनेगी। सो टैंपरेरी तुहाडा रैंक तुहानूं अज पता लग जाएगा। टेंशन किसी भी तरह की रहन की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि थर्ड काउंसलिंग जां थर्ड काउंसलिंग जिन्होंने ईवन एंट्रेंस टेस्ट दिता है उन्होंने सीट मिल जानी है, क्योंकि सीटा ज़्यादा हैं, जिहड़े कैंडीडेट हजे भी रिलेटिवली घट हैं। सो पहला प्रिविजन मैरिट लिस्ट इत्थे क्लिक करांगे, ओपन हो जाएगी। इत्थे मैं ओपन की हुई है प्रोविजनल मैरिट लिस्ट, ए रही। सो सीरियल नंबर है, इसनों रैंक कहा जा सकता है, है ना। सीरियल नंबर है, फर्स्ट रैंक पे है। एप्लीकेशन आईडी है अंजलि अग्रवाल, प्रमोद कुमार उन्होंने पापा का नाम है, रेजिडेंस पंजाब, जनरल कैटेगरी फीमेल। एंट्रेंस टेस्ट चो 124 रूरल एरिया दे मार्क्स नहीं हैं, टोटल 124 टोटल नंबर बने ने। ग्रेजुएशन चो 76.879 है, डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1997। मैं क्यों पढ़ रहा हाँ, हूँ इसकी रेलिवेंस दसदा हाँ। मैं कुछ होर ये देखना है, मैं वो देखना है कि जॉब तक किस तरह पहुँचना है। ये बहुत वड्डा, क्योंकि रिसर्चर हाँ, इसका एनालिसिस वक्रे तौर पर करूँगा। सो एक तो ये ओपन करके खुद देख सकते हो, दूसरा मैं इसते भी पूरी दिखा दिना हाँ, जे देखनी है तुसी देख सकते हो। मेरे ख्याल में लंबा हो जाएगा ये, तो 14,000 की ये मैरिट लिस्ट देना औखा है। सो इसनू कैंसल करते हाँ। दो जने जो टाई करते हैं तो रूल की है कि जिसने ग्रेजुएशन चो वध स्कोर होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लड़की है शालिका रानी, है ना, इस दे 121 हैं, और गुरवीर सिंह इन्हां दे भी 121 हैं। गुरसी वीर सिंह नूं पिछे क्यों रखा गया? कारण है कि उन्हां दे ग्रेजुएशन विच्चों, ये देखो ग्रेजुएशन विच्चों इन्हां दे 66 ने, इन्हां दे 80% है। इत्थे इहदी वेटेज मिल गई है। मैं साबित करना है कि यह वेटेज सिलैक्शन टेस्ट तक नहीं जानी, उत्थे फोकस बदल जाना चाहिए है। इसलिए इत्थे ग्रेजुएशन दे मार्क्स नूं हुण लैके भुल जाओ तो अच्छी गल है, टेंशन ना लो। सो टाई तोड़ते हैं इस तरह ना। दूसरा क्राइटेरिया हुंदा है कि जिसकी एज वध है, वैसे तो अजिहा बहुत घट हुंदा है कि जिसके फॉर एग्जाम्पल 119 मार्क्स चल रहे हैं, ग्रेजुएशन चो सेम मार्क्स नहीं होंगे, 84%, 83%, 82%, 76%, 73%, 53%। मैं कि टीच करना चाहता सी कि ये 53 वाला परसन है जिसनों शायद ग्रेजुएशन विच रिकग्निशन भी पूरी मिलती होएगी, नहीं मिलती होएगी शायद। देखो 53 वाला जो गवर्नमेंट नॉब बन जाते हैं 55% वाले, शायद ये एलिजिबल भी ना हो। पर इन्हों का पॉजिटिव पॉइंट की है कि ये रैंक बहुत अच्छा लै गए ने। मैं एक इन्हों स्टूडेंट्स लिए एक वीडियो पावगा जो इंप्रूवमेंट पर है, इंप्रूवमेंट जरूर दे देनी चाहिए है। कारण यह है कि ग्रेजुएशन के बेस से तुम गवर्नमेंट जॉब तक जाना है, इतने तुसी टॉप कर रहे हो। इन्हों का रैंक देखो 18वां रैंक बनता है, लगभग एक मिनट चंगी तरह देख ला हाँ 19वां रैंक है। सो जिहड़े टॉपर ने इन्हां विच थोड़ा फर्क जिहड़ा 124, 23, 22, 21 ये ज़्यादा फर्क नहीं हुंदा असल विच, लेकिन इत्थे ज़्यादा फर्क है। पर मैं ये दसना चाहना हाँ कि जिस तरह तुहाडे बीएड चो मार्क्स थोड़े ने, जां ग्रेजुएशन चो मार्क्स थोड़े ने, लेकिन 55 तो घट नहीं चाहिए ता जो तुसी एलिजिबल बन जाओ। लेकिन अजिहा शख्स इस तो सीख लेना चाहिए है, इन्हों का नाम मैं जरूर लवांगा, हरप्रीत सिंह।
हरप्रीत सिंह तो सीख लेना चाहिए है, ग्रेजुएशन जो बेशक थोड़े लैके गए ने लेकिन इतने लगभग टॉप कर रहे ने मेल परसन ने। अच्छा, होर अजिहे केस देखे जा सकते हैं जिन्हां दे ग्रेजुएशन चो बहुत घट मार्क्स ने, 55% इन्हां दे मार्क्स ने। और मैं क्यों दस रहा हाँ, एक मिनट, गुरदेव सिंह है भी मेल ने 55। अजिहे लोग जो जीता वही सिकंदर वल चल जाते हैं क्योंकि इत्थे इत्थे एक 94% वाले नू 55 वाले ने इस टेस्ट विच पिछे छड़ता है। इस तरह वो लोग कैंडिडेट डिस्करेज ना होण जिन्हां दे ग्रेजुएशन विचों घट स्कोर ने, जिन्हां दे बी एड विचों घट स्कोर ने, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हाँ किस ते फोकस करना है अगली वीडियो च असीं दसांगे, पर टेंडेंसी यह लैनी है कि मैम एम सी क्यू नू ज़्यादा सॉल्व करके जिन्होंने ग्रेजुएशन ते पोस्ट ग्रेजुएशन च मेरे तो ज़्यादा स्कोर ले सी उन्हां नू तुसीं पिछे छड़ सको, फिर जो जीता वही सिकंदर फिल्म बनेगी। सो ये मैरिट लिस्ट की होर इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग की कढ़िया जा सकता है। जिहड़े टॉप वाले बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल 37-50 तक रैंक, जिहड़े टॉप रैंक ने किन्ने स्कोर तक जा रहे ने मैं दस देवां, टॉप रैंक ते जे जे 18,000 बच्चा है, 17-18,000 बच्चा है, 18,000 बच्चा है तो इसका जिहड़ा 1% कढ़ना होवे तो 180 बच्चे बन रहे ने। इट मीनस 180 तक दे मैं कंसिडर करता हाँ कि वह टॉपरस ने, तो यूनिवर्सिटी मैरिट लिस्ट बनती है तो 1% कढ़िया जाता है। इतों 1% जो कढ़ीए तो 180 तक जा रहे हैं। सो वो थोड़ा माण महसूस कर सकते हैं पर उस माण विच फसे ना रही हो। मैं कह रहा हाँ कि जीता मैं इंटरव्यू करनी है, टॉपर मेरे ना गल कर सकते हैं इन्हों दे विचों जे कोई है जेडे ज़्यादा टॉप ने। अच्छा, 180 तक पुनीत कुमार तक है ना। सो जिथों दूजी गले की इंटरप्रिटेशन करिए कि मैं साडा सिर्फ संबंध इस मैरिट का जिंदगी फिर कदे कम नहीं आनी, सिर्फ असी अपना मनपसंद का कॉलेज लेना चाहते हाँ और ऐसे सब्जेक्ट लेना चाहते हाँ, यह हेल्प करेगी टॉपर नू जिथे वो फिल किया होएगी। पहली तुसी पूछ रहे सी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, जिथे इन्होंने पहला रैंक फिल किया होएगा इन्हों पहला रैंक मिल जाएगा, हर हालत मिल जाएगा। सो एक थ्रैशहोल्ड एक लिमिट आती है जिस तो टॉपर असं थले जाने हाँ कि तुहानू हुण पहली नहीं दूजी कैटागरी मिल रही है, नेड़े वाला कॉलेज नहीं दूर वाला कॉलेज मिलना शुरू हो गया। वो किस तरह होएगा, जिस तरह डाउनवर्ड जा रहे हैं उस तरह असी सब्जेक्ट ते कॉलेज की दूरी बना के रखांगे, इस तरह भी नहीं होना। दूसरी काउंसलिंग फिर तुहानू बारी मिलेगी, वो भी फाइनल नहीं होएगा, जिहड़े एडजस्ट नहीं हो सकते तीसरी विच लगभग सारे ही एडजस्ट हो जाते हैं। बस तुसी वो सिलसिला जारी रखना है कि अपनी क्वारी करनी है कि तुसी केड़ा एडिशनल करना है, केड़े दे लिए एलिजिबल हो, गवर्नमेंट जॉब की है कि जिहदे लिए तुसी एलिजिबल बन जाओ है ना, ये युद्ध जारी रखना है। और दूसरी गल इस नूं भी बहुता ज़्यादा फाइनल ना समझो, ये बहुत ज़्यादा लगभग है, मीन तुहाड़ा 100 रैंक अगे पिछे हो सकता है। कारण की है कि दूसरा इसका पार्ट जो है इतने देख लीए असी गल की सी, दूसरा पार्ट है डिस्क्रीपेंसी लिस्ट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, वो देख लेनी चाहिए है। डिस्क्रीपेंसी मीन के जो गलतियां हैं पेंडिंग हैं इनकम्प्लीट डाटा है, एक गल उपर के जिहड़ियां इंस्ट्रक्शन दित्तियां हुई हैं उन्होंने एक बार पढ़ लीए कि उत्तों गाइडलाइन की मिलती है। बिलो इज द प्रोविजनल मैरिट लिस्ट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन सेंट्रल काउंसलिंग एडमिशन, जो तुसी सबमिट करवाया है ये हम तुहाडी जिम्मेवारी है कि तुसी ठीक करवाया है, इट मीनस वो अकॉर्डिंगली है। कैंडिडेट हूज नेम इज नॉट अपीयरिंग इन प्रोविजनल मैरिट लिस्ट मस्ट चैक डिस्क्रिपेंसी लिस्ट, दो लिस्टा बनिया हैं, एक जिन्हां दी कोई एरर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई इनकम्प्लीट डाटा नहीं है, उन्हां दी लिस्ट ए है, दूसरी डिस्क्रिपेंसी लिस्ट वो आपां हुणी वेखदे हाँ। फॉर एनी अदर डिस्क्रिपेंसी लाइक रूरल मार्क, हुण क्यों रूरल मार्क है क्योंकि 1.5 नंबर या 1% नंबर उन्हां नूं मिल जाने हैं। कई दे मैनूं फोन आए हैं गलती हो गई सर वो एक मैं पढ़िया है प्लस टू का नहीं पढ़िया, सो टेंथ का पढ़िया है रूरल चो इसलिए सो विदड्रा कर जाएंगे, उन्होंने थोड़ा जहा पिछे हिल जाएगा, कोई ज़्यादा घबराने वाली गल नहीं है। रेजिडेंस थोड़ा 15% कोटा 85% कोटा है ना, मदर फादर नेम ज़्यादा जरूरी नहीं हैं। दूसरा है कि तुहाडे ग्रेजुएशन ते पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं जिहड़े मैरिट नाल संबंधित हैं वो डिस्क्रिपेंसी विच आएगी। फॉर एनी अदर डिस्क्रिपेंसी लाइक रूरल रेजिडेंस मदर फादर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट इट थ्रू ईमेल एट अवर ईमेल आई डी पंजाब बी एड एडमिशन 2023@gndu.ac.in,
ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ 19-20 ਕੀ ਬਣਦਾ 19-20। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸਿਸ ਔਨਲਾਈਨ ਥਰੂ ਈਮੇਲ ਓਨਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 20 ਅਗਸਤ ਔਰ 21 ਅਗਸਤ, ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਬਮਿਟਡ ਬਾਏ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਲਿਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਬਲੈਂਕ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਲੈਂਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਚਾਂਸ ਹਨ, ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਦੋਨੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 100% ਹੋਏਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੋ ਦੋ ਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਫਟਰ ਦੇ ਗੈਟ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਰਿਮੂਵਡ ਔਨ ਦੀ ਬਿਫੋਰ ਡਿਊ 21 ਅਗਸਤ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਰ ਮੇਰੇ 70% ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਸਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ punjabbedadmissions2023@gndu.ac.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਰਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਊ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਫਿਲ। ਬਸ ਇੰਨੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਯੇ ਵੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਮੇ ਬੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਟੂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੂ ਅਵਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਗੈਟ ਦੀਅਰ ਮਾਰਕਸ ਅਪਲੋਡਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੌਗਇਨ ਏਰੀਆ punjabbedadmissions@gndu.in, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ, ਰੂਰਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸ, ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਨੇਮ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਈਮੇਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸ, ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਅਪਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ 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 ਇੱਦਾਂ,
हाँ जी आ देखो लिखा हुआ है ना मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आर स्टिल पेंडिंग ये थोड़ी रोल नंबर देखो वो सामने की लिखा है दैट्स ऑल हाँ टोटल मार्क्स तुम्हें पता है तो उत्थे ऐड हो जाने हैं टॉपर है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शाबाश गल यह है कि ये सिकंदर ने सो इन टॉपरस के जे मेरे ना कोई गल करना चाहता है मैं उन्होंने उस थोड़ी जी ब्रीफ गल करनी है तो वह मेरे न मैं फोन कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं मैं पहला भी रिक्वेस्ट पाई सी नैक्सट है सो ये एक डिस्क्रिपेंसी है जिस जे जी ग्रैजुएशन तो पोस्ट ग्रैजुएशन की है सीरीज नंबर एक तो शुरू होंगी है देखते हैं कदों तक कितने तक चलती है 2470 इतने वड्डा करके लिखदा इन्हें 2470 बच्चे जिन्हों का ग्रैजुएशन जां पीजी पोस्ट ग्रैजुएशन का रिजल्ट पेंडिंग है ठीक है ये लिस्ट वड्डी है बाकी जिन्हों दी गलतियां हन थोड़ियां हन जिन्हों ने टाइमली ठीक कर लिया हन वो हन ए डिस्क्रिपेंसी लिस्ट रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ इन्हों की डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ चार जने ने जने ने सिर्फ ठीक है इन्हों की डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड 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 इन्होंने अपनी राइट डेट ऑफ बर्थ जी है वो इन्हों भेजनी चाहिए है देखो इनवैलिड कि बनी डेट ऑफ बर्थ कि गलत हो सकती है जो तो असी भरन लगे सी असी 27/3/2001 / 1995 कुछ भी भरना सी इत्थे देखो 000 ये फिल हो गया है ना इतने डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं हुई ब्लैंक रह गई ब्लैंक रह गई ब्लैंक रह गई ब्लैंक रह गई सो ये फिल करोगे तो जी है फाइनल मैरिट लिस्ट विच नाम आएगा ये हर हालत भेजना ही भेजना है पांच जने ये हो गए डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन फॉर ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एडमिशन कोर्स 2001 ये की हो गया भी डिस्क लिस्ट ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन मार्क्स देखो देखो ये उत्ते वाले जड़े सी उन्होंने जोड़े स्कोर जोड़े से उन्होंने फिल पेंडिंग है रिजल्ट है ना इन्हों जरा पढ़ लीए ये की प्रॉब्लम है नॉट एलिजिबल ड्यू टू लैस मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम ले 43% बन रहे हैं है ना सो 43 वाला पोस्ट ग्रैजुएशन चो भी घट ने और ग्रैजुएशन चो भी 49 है 49.59 करके भी पूरे 99 करके भी नहीं पूरे पूरे 50% चाहिए ने यही गल समझ लेना चाहिए है तीन विद्यार्थी ने घबराना नहीं इन्होंने भी नहीं घबराना इन्हों का भी मैं उन्ना ही साथ देवगा सो तुसी इंप्रूवमेंट करनी है की जा सकती है मैं बहुत ही नलायक रहा हाँ बहुत नलायक पर देखो थोड़ा बहुत करी जा रहा हाँ तुम तो मेरे तो वध सच्ची गल है मैं जो अकैडमिक कई कंपैरिजन करा तुसी मेरे तो कितने अगे हो गए ये लो तुसी इन्हों इंप्रूव करना है इंप्रूव करना है इंप्रूव करना है ये जरूरी है तो बड़े एजते ने है ना ये इस तरह भी कर सकते हैं कि ये पोस्ट ग्रैजुएशन कोई इदा के सब्जेक्ट की जेडे 50% 55% नंबर आराम ना लै जाए इंप्रूव करोगे तो थोड़ा ज़्यादा फायदा है कि 55% क्योंकि जे जॉब ली बन गई तो फिर 50 नाल फायदा नहीं है इसलिए मैं तिना नूं कहांगा कि इंप्रूव कर लैन और 55% मार्क्स ले जाए जा सकते हैं कुछ स्ट्रैटेजी है जिन्हां दे नाल ये कीता जा सकता है अच्छा अजिहे होर भी बच्चे ने जिहड़े 48 49 तीन नहीं ने सॉरी हाँ 44 है ये ग्रैजुएशन के मार्क्स गलत फिल हो 7.34 है ना 6.4 एक गलत 00 फिल हो गया 6. एक गलत फिल होए ने मोस्टली है ना जा घट ने गलत फिल होए ने काफ़ी बच्चे अजिहे ने जिहड़े हुण पता नहीं है ये खुद देख लैन एक घट्टो घट 43 बच्चे ने 43 बच्चे 43 जिन्होंने गलत ग्रैजुएशन के नंबर जां उन्होंने जिहड़े चाहिए हैं नॉट एलिजिबल ड्यू टू लैस मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम ये आए हैं सो ये मैरिट लिस्ट है ये सीखना की है कई गल् सीखने वाली हैं कि जिन्होंने इंप्रूव करने वाले आ पेपर देने हैं हौसला नहीं छड़ना जिंदगी ने पता नहीं कहदे लई की कुछ रख्या हुंदा है दूसरा कि अपनी मैरिट लिस्ट स्टेटस देख लो जिन्होंने अच्छा फील किया है वह अच्छा फील इस तरह करन के सिलैक्शन टैसट TET चो लैके जाने हैं इस ऊर्जा नू उत्थे लाना है ठीक बाकी जिन्हां दी डिस्क्रिपेंसी है डेट ऑफ बर्थ की है मार्क्स नू फिल करन वाली है वह सीधी फिल करनगे लॉग इन करके और बाकी ईमेल करनगे कोई दोबारा वीडियो बना देंगे जे कोई क्वेश्चन उस तरह के ज़्यादा आते हैं सो इतों लर्न करना है इसनों परमानेंट नहीं लेना
मैं ये इंपोर्टेंट सब तो गल दसी है जिन्हें ग्रेजुएशन चो घट मार्क्स भी रैंक हाई लै सकते हैं, इस तरह जिन्हें 55 जस्ट एलिजिबल ने सिलेक्शन टेस्ट चो मैरिट च टॉप पर आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर धीरज सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।